हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही अच्छे ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डर के बारे में, जिसके अंदर आपको नॉइज़ कैंसिलेशन का फीचर देखने को मिल जाता है। इसका नाम है डॉल्बी ऑन। इसे आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं और अपनी ऑडियो को और अपनी वीडियो को रिकॉर्ड करके एनहेंस कर सकते हैं। जैसे मान लो ये ऑडियो मैंने रिकॉर्ड की है, तो मैं जाऊँगा टूल्स पे, उसके बाद मैं जाऊंगा नॉइस पे, उसके बाद मैं नॉइस 10 पे कर दूंगा और टिक पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं डन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर शेयर बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी ऑडियो को सेव कर लूंगा। तो यहाँ देखो, सेव ऑडियो, सेव वीडियो। अगर आप चाहते हो, आपको ये ऑडियो वीडियो के फॉर्म में चाहिए, तो आप यहाँ पे सेव वीडियो कर सकते हो। आपको एक तरह का वॉलपेपर मिल जाएगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। उसके बाद सेलेक्ट पे क्लिक करके आप यहाँ पर एक फोल्डर सेलेक्ट कर लेना, उसका नाम आप देख सकते हो। तो ये मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कराया और यहाँ पे मैंने अभी इसको एक्सपोर्ट कर दिया। तो आप देख सकते हो, मैं आपको अपने फाइल मैनेजर में लेके चलता हूँ और आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मेरी ऑडियो है और ये वॉलपेपर जो मैंने लगाया था। तो इस तरीके से आप भी अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करके उसे एनहेंस कर सकते हो। और इसका बहुत बढ़िया बेनिफिट ये मिलता है कि आपको इसमें कोई और ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट यहाँ से नॉइज़ कैंसिलेशन करके अपना काम कर सकते हो। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो कैसे रिकॉर्ड करना है। वीडियो के लिए यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद अपना प्लस वाले बटन पर क्लिक कर, सॉरी, यहाँ क्लिक करके इसको अलाउ कर देना है। अब आप देख सकते हो, जो वीडियो रिकॉर्डिंग है इस तरीके से चालू हो जाएगी। मुझे इसमें एक चीज़ मिसिंग लग रही है, वो है पॉज बटन। अगर आपको किसी को भी पॉज करना पड़े तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको एक ही ऑप्शन मिलता है, टैब एंड रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी है। अगर इसमें पॉज बटन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो वही फंक्शन है दोस्तों जैसा मैंने आपको ऑडियो में करके दिखाया था, इसके अंदर भी आप इस तरीके से देख सकते हो। अगर आप देखना चाहते हो कि आपने क्या क्या रिकॉर्ड किया, आपको यहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर आपको नोट नाउ कर देना है। ये देखो, ये वीडियो है, ये बाकी ऑडियोज़ है जो मैंने पहले रिकॉर्ड की हुई है। तो ये बहुत अच्छा ऐप है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मान लो जैसे आपने कोई ऑडियो है पहले से रिकॉर्ड कर रखी है, ठीक है, सॉरी, कोई वीडियो है बट उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही है, तो क्या करो, तो आप एक काम कर सकते हो, वीडियो को सेलेक्ट करके मोर पे क्लिक करके शेयर पे क्लिक करके सीधा डॉल्बी ऑन के अंदर इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप डॉल्बी ऑन के अंदर जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हो एंड उसको डायरेक्ट यहाँ से एडिट कर सकते हो, नॉइस कैंसिलेशन करके टिक क्लिक करके डन करके उसके बाद अपनी वीडियो को सेव कर सकते हो। जिससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा, आपको मैन्युअली ऑडियोज़ को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप डॉल्बी ऑन कैसे यूज़ करना आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, बाय।